हूँ आपके साथ वैशाली और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट में। आपने हमारी वीडियो की शुरुआत में जिन मोहतरमा को देखा है, आप उनसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बेहद ही फेमस टिकटॉकर हैं। लेकिन ये इंडिया से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि पाकिस्तान की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। लेकिन इनका नाम है जो कॉन्ट्रोवर्सी से पीछा ही नहीं छुड़ा पाता। इनका असली नाम हरीम शाह है। टिकटॉक पर इनके 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन उसी के साथ जितने फॉलोअर्स उससे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज इनके नाम से जुड़ी हुई है। कभी ये विदेश मंत्रालय पहुंचकर पीएम की कुर्सी पर बैठकर टिकटॉक वीडियो शूट कर देती है, जो वीडियो हो जाता है वायरल, जिसके बाद बवाल तो बहुत होता है। हरीम शाह को सोशल मीडिया पर बहुत ट्रोल भी किया जाता है, लेकिन बात यही नहीं थमती, क्योंकि हरीम शाह हैं जो अपनी बेतुकी बयानबाजी से पीछे नहीं हटती। अब हाल ही में उन्होंने नया बयान दिया है, जिसमें उनका कहना है और उनका मानना है कि इस्लाम के आधार पर अगर कोई औरत अपने पति के कपड़े नहीं धो सकती तो उसे शादी करने का हक नहीं है। अब आप ये सोचिए कि जिस मानसिकता के साथ उन्होंने ये कहा है, क्या एक औरत होने के साथ साथ उन्हें ये शोभा देता है या फिर नहीं? आपका इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन इस तरह की सभी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट।